सबों को मेरा प्रणाम। हर शुक्रवार की तरह आज भी लगभग उसी समय में आपसे फेसबुक लाइव कर रहा हूँ। कोई दूसरा विकल्प है नहीं। अभी जो कोविड-19 की त्रासदी है, परेशानी है, उसे पूरा देश, पूरी दुनिया लड़ रही है। सरकार ने कुछ छूट भी दी है, कुछ स्वतंत्रता हम लोगों को हासिल हुई है, घूमने फिर नहीं सकती जरूरी कामों में। ये हमेशा याद रखिएगा कि स्वतंत्रता का स्वच्छता नहीं होती। कुछ नियम कानून हैं जिनका अनुपालन हमको आपको अपनी सुरक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए पालन करना चाहिए, करना है। शिव शिष्य तो अवश्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखता हूँ फाउंडेशन की अध्यक्षा बरखा जी बैठी हुई हैं, ये कुछ कहना चाहती हैं, हम भी सुनते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। जो आपने अभी कहा कि कोरोना काल में जो लॉकडाउन चल रहा था सरकार की तरफ से, उसी से संबंधित एक जिज्ञासा है राजेंद्र जी गौतम नेपाल से। लॉकडाउन को अब अनलॉक किया जा रहा है भारत की भी, नेपाल की भी और देशों में भी, तो चर्चा के काफ़ी कार्यक्रम जो पूर्व में तय थे उनका भी समय निकल गया और हम नहीं कर सकते, तो आगे के लिए साहब का आदेश और निर्देश क्या है? देखिए, व्यक्ति को परिस्थितियों और स्थितियों के अनुरूप चलना पड़ता है। एक दिन हमारा आपका शरीर भी हमारे आपके मर्जी से नहीं चलेगा, उसकी भी अपनी एक नियति है, उसका भी एक काल है। कुछ दिन समय बीत गया जहाँ आपके कार्यक्रम रद्द हुए, बहुत सारे कार्यक्रम जो मेरे स्तर के थे वो भी रद्द हुए, तो हुए। लेकिन शिव गुरु की व्याप्ति, शिव गुरु से जुड़ाव क्या कार्यक्रमों के माध्यम से ही होगा, क्या महोत्सवों के माध्यम से ही होगा, क्या परिचर्चाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से ही होगा? शिव गुरु से जुड़ाव मैंने बहुत पहले कहा था कि आदमी को जानकारी आप दे देते हैं, वो तो किताबों में दे रही हैं, कई हजार वर्षों से दे रही हैं। आपके ग्रंथ, आपकी पुस्तकें, आपके शास्त्र, आपके साधु, आपके मनीष, जो भी नायक शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, राधिपति। मेरे पिताजी चले गए दुनिया से, वो थे तब मैं उनको कहता था कि आप शिव को अपना गुरु बना लीजिए। तो भोजपुरी में वो कहा करते थे कि तेरा पैदा होते तो पहले से हम जान पाए शिव गुरु। मैं आपकी बात क्यों मानूं? तो जानकारी तो हम दे सकते हैं इन चर्चाओं के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं से, अन्य प्रचार साधनों से जानकारी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जानकारी तो है लोगों को। आप पूछिए, लोग जानते हैं कि शिव गुरु। मैंने इस काम को शुरू किया तो लोग बोलते थे कि कौन सी नई बात आप कह रहे हैं, शिव तो गुरु हैं। मैं कहता था कि शिव तो गुरु हैं, क्या आप शिष्य हैं उनके? अस्पताल तो है, क्या आप वहाँ अपना इलाज कराते हैं? स्कूल तो है, क्या आपके बच्चे पढ़ते हैं उसमें? स्कूल के होने से क्या हो जाएगा? और ये जानकारी आपको क्या, जानकारी तो है उसको भी बढ़ा कर एक डॉक्टर मेरे रखता है जो बहुत अच्छा डॉक्टर है, और मैं दर्द से परेशान हूँ, अभी उसको दिखाया नहीं जाता। ये जानकारी तो है, तो ये जानकारी कि शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, ईश्वर हैं, महेश्वर हैं, बहुत जानकारी है हमारी किताबों में। लोग हम उसे जाना जानते हैं, लेकिन इस जानकारी का लाभ क्या मिला? जुड़ाव तो हुआ नहीं ईश्वर से। हम लोग कांवर लेके जाते हैं वो मंदिरों में, कांवर लेने जल चढ़ाने के बाद क्या शिव याद आते? मैं तो सरकार में रहा हूँ, लोग छुट्टियाँ लेके कांवर चढ़ाने जाते थे, जल चढ़ाने जाते थे शिव को, और लौटने के बाद फिर वही स्थिति।
यानी कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। और नियम है कि जिसकी संगति में मन रहेगा वैसा बनी संसार दार गुणा दोषा। जिसकी संगति में आप बच्चे देखिए गलत बच्चों के साथ खेलते हैं तो हम लोग भी मना करते थे अपने बच्चों को ये वो सबके साथ मत खेलो। यानी हम लोग जानते हैं कि गलत आदतें संगति से साथ रहने से आदमी पकड़ लेता है। हम लोग तो शिव के साथ पूजा कर उसी भगवान की देवता देवता बंदियों पूजा अर्चना करते हैं घरों में करते हैं। क्या हमारे आपके मन पर उसका कोई प्रभाव पड़ा? क्या पड़ता है? क्या यह अस्थायी प्रभाव है? मैंने भी देखा है नहीं है। कि जानकारी आपको काम नहीं देगी भाई जान, लोगों को समझाना होगा, मैं टू मैं कन्वासी करनी होगी, व्यक्ति व्यक्ति को समझाना होगा। इसलिए आयोजनों के पीछे, कार्यक्रमों के पीछे, ये भीड़ के पीछे, भीड़ इकट्ठा करने की मानसिकता में से अपने को दूर करिए। शिव आपके गुरु हैं, व्यक्तिगत संबंध है शिव से, एक शिष्य का अपने गुरु से। ठीक है, आपके दूसरे सूत्र में है कि दूसरों को आप बताएं, तो बताने के लिए अन्य साधनों का प्रयोग जब आप करेंगे तो देखेंगे कि लोगों को जाने का जानकारी मिल जाएगी। ये भी जानकारी मिल जाएगा कि आप बहुत बड़े महादेव के भक्त और शिष्य हैं, ये भी लोग जान जाएंगे। लेकिन क्या वो शिव को अपना गुरु मानेंगे? मैंने देखा नहीं मानते हैं। बोले मेरे पिताजी, मैं समझाता रहा, वो डायरेक्टर थे बिहार के शिक्षा विभाग के, मैं समझाता रहा, मेरे पिताजी नहीं मानेंगे, दुनिया से चले गए। जानकारी तो भैया इल्म नहीं है, जानकारी कोई मुहर नहीं है। जानकारी से आप उसका जो आपको ग्रस्त हो जाएगी जानकारी, वो आपको परिवर्तित करेगी जानकारी, आसान बात नहीं। इसलिए इसकी चिंता छोड़िए। चर्चाएं कैंसिल कैंसिल हुई, रद्द हुई, स्थगित हुई स्थगित हुई, कार्यक्रम रद्द हुए। नौका नहीं है, ये उद्देश्य भी हम लोगों का नहीं है। इसलिए इसकी चिंता छोड़िए, खुद महादेव से जुड़िए, जो मिल जाए मोबाइल पर ऐसे वैसे, अभी तो बंदिश है, मिल जाए उनको समझाइए, समझा के उनको शिष्य को मुखातिब करके। आप दूसरों की चिंता में पड़े हैं, क्या आपके घर के शुभ, क्या आपके घर के लोगों में शिव शिष्यता पर खुशी है? इसकी भी चिंता कर लेना, काम अधूरा, अपना खेत खाली है, दूसरों के खेत की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन अपने खेत को बंजर रखना ही उचित है। कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि शिव की रचना, पूरी सृष्टि के कण कण में वही समाया और आप शिव को देखना चाहते हैं। भाई साहब, आपने भी तो वही शिव समाया, वही शिव आपके रूप की तो धरती पर है, आईना देख शिव की। शिव की शिष्यता सांस लेने की कोशिश, सांस लेने की क्रिया से भी आसान। क्यों आसान है? अरे सांस लेने में सीना तेज सांस लीजिएगा, मन आपका चंचल धीरे सांस लीजिएगा, अगर दूषित है तो फेफड़े में बीमारी आएगी। यानी सांस लेना एक क्रिया है, उसमें आपके हमारे शरीर की ऊर्जा लगती है। शिव से सदन में तो शिव को चलाना, इसमें आपकी हमारी ऊर्जा कहाँ लग रही है? जब आप कर्ता बनेंगे, जब आप कर्म करेंगे, जब आप शिव शिष्यता में बढ़ेंगे, तो आप
वहाँ सायास होगा, वहाँ कोशिशें होंगी, प्रयास होंगे। लेकिन जैसे आप शिव की परिधि में घुसेंगे, जैसे आप गुरु की परिधि में प्रवेश करेंगे, अब तो गुरु को ले चलना है। हम लोग अपने से चलते तो कब का शुरू हो गए रहते, पूरी दुनिया ही शिवमय हो गई रहती। शिव चाहे चलते हैं, आप उनके सानिध्य में बढ़ने की कोशिश करिए। उसके बाद तो थोड़ी कोशिश के बाद आराम ही है, आपको कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल बनती है बिल्ली वाली स्थिति है। बिल्ली अपने बच्चे को उठा कर चलती है, हम लोग बंदर बने हुए हैं, पकड़े हुए हैं, पकड़े हुए तो गिरते हैं भद से। भाई सर्वोदय जी ने हावड़ा से, मैंने पढ़ा है कभी कि एक वट वृक्ष के नीचे युवा गुरु बैठे हैं, उनके समीप वृद्ध शिष्य गण बैठे हैं, गुरु मौन है परंतु शिष्यों का संसय उन्हें विनष्ट हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह संदर्भ कहाँ का है और इसका क्या अर्थ। ये आदि शंकराचार्य ने इस पंक्ति को लिखा है, उसके पहले दक्षिण उपनिषद भी है, उसमें भी इसका उल्लेख आया। दक्षिणामूर्ति उपनिषद ऐसे है, उसमें भी इसका उल्लेख आया। एक विशाल वट का वृक्ष है जिसकी जिसके जड़ के पास, मूल के पास एक युवा गुरु बैठे हैं और उस युवा गुरु के जितने शिष्य हैं सभी वृद्ध। सबसे आश्चर्य की बात है कि वह युवा गुरु कुछ बोलते ही तब भी उनके शिष्यों का संशय पल प्रतिपल क्षीण हो रहा है, खत्म हो। मौन ने आपको क्या क्या समझाया है भाई साहब, और बोल के हमें क्या समझे? मौन जितना समझा सकता है ठीक है, मौन को पकड़ना थोड़ा कठिन है। शब्द पकड़ में आते हैं, सुख शब्द की असुविधाओं से पकड़ में आते हैं, लेकिन मौन को पकड़ना कठिन है, इसीलिए बोलना पड़ता है। नहीं तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, मौन संभाषण ही दूसरों को प्रेरित कर देगा। शिव तो कुछ बोलते ही नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं, प्रकृति कुछ बोलती ही नहीं, पूरे कार्यक्रम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, स्थित रहा है, कुछ बन रहा है, प्रकृति का भी बोल रही है। वह परमात्मा भी नहीं बोलता है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, और बोलने से काम चलता है, करना पड़ता है, प्रकृति करती है, वो शिव करता है, वह परमात्मा करता है, गुरु भी करते हैं, भाषणबाजी से गुरु का काम नहीं चलता है। हाँ, शब्दों को पकड़ना हमारे आपके लिए आसान होता है, इसीलिए गुरु शब्दों का सहारा लेते हैं, लेकिन शब्दों के सहारे शिव तक नहीं जाया जा सकता। शब्द पहले ही खत्म हो जाते हैं, वो आकाश तत्व की तन्मात्रा है, वो शिव, वो भगवती शिव तो उस पांचों तत्व से बहुत ऊपर है। ऐसे शब्दों से मैंने कहा भी था कि नमः शिवाय आपको शिव से नहीं मिलेगा, शिव के हरे नाम में शिव के क्षेत्र में देख सकता है ज्ञान। बहन चांदनी ने पटना बिहार से मेरे गुरु जब भी मुझसे शिव गुरु संबंधित जिज्ञासा पर बोलने के लिए कहा जाता है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती तो लोग मेरा भाव मापते हैं, कहते हैं मुझमें मेरे गुरु शिव के प्रति भाव और दर्द नहीं है। क्या ज्ञान होना ही शिव के प्रति दर्द और भाव दर्शाता है? ज्ञान होना शिव के प्रति दर्द दिखलाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ज्ञान मस्तिष्क से पैदा होता, समझ दिमाग से पैदा होता, और भाव दिल से पैदा होता, हृदय का पक्ष होता। तो आपके भाव को वे ही पकड़ेंगे जो भाव से युक्त हैं, भाव से जुड़े हुए, जिनके पास भाव है वो पकड़ लेंगे। यदि जिनके पास दिमाग है, जो बोली को पकड़ते हैं, शब्दों को पकड़ते हैं, भाषणबाजी को पकड़ते हैं, वो कहाँ से पकड़ेंगे? इसलिए दोष आपका है, दोष बोलने वालों का है, उनके पास भाव की कमी है। उन चाहिए कि अपना भाव आप करें, अपनी मन की बात को, अपने मस्तिष्क की बात को दिल में ले जाएं, उस विचार को दिल में उतारें, विचार को दिल में उतारेंगे तभी भाव बनेगा, भाव पकड़ने पर आचरण से आएंगे, ऐसे नहीं।
मन तो एक अदृश्य मशीन है, विचारों को पैदा करने की अदृश्य मशीन है, उसको आपका चिकित्सा विज्ञान आपके शरीर में नहीं ढूंढ सकता है। हाँ, ब्रेन ढूंढ लेगा, मन नहीं ढूंढेगा। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का आज मेरा मन दुखी है, मैं बाजार नहीं जाऊँ, या हमको आज मीठा खाने का मन नहीं है, कुछ नमकीन है तो खिलाऊ, यानी आप मन भी नहीं है, शरीर तो नहीं ही है। शरीर के कई अंग बदल दिए गए हैं चिकित्सा विज्ञान के द्वारा, आज तक लोगों के खराब हो जाते हैं तो बदले जाते हैं। हम मन भी नहीं है, कभी ना कहते हैं कि मेरा मन आज नहीं है इसका, यानी जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी चप्पल टूट गई है, तो भाई चप्पल टूट गई तो आप चप्पल है, आपका मन दुखी है तो आप मन तो नहीं है। मेरे घर की दीवार खराब हो गई, अब दीवार है, घर की दीवार है, आपके घर की दीवार, वैसे आप बोलते हैं मेरा मन आज दुखी है, आप मन है। आप हैं कौन, हम हैं कौन, इसी का उत्तर दीजिए। कुछ शिव वो शिव मिल जाएगा, वो ईश्वर मिल जाएगा, ईश्वर की बुद्धि की जरूरत नहीं, अपने आप को बुद्धि दीजिए कि आप और हम कौन। कठिन है अपने में अपनी तलाश करना, कठिन है, इसलिए शिव के पास जाइए, वो गुरु भी हैं, उनको अपना गुरु मानिए, शिव से भाव दीजिए, ड्रामा बंद कीजिए, शिव से भाव दीजिए, तभी शिवजी को पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप हैं कौन। कुछ नहीं है, हम आप मात्र उसी शिव के एक रूप में जो जगत में तमाशा कर रहा है, तमाशा करवा रहा है। स्कूल के मास्टर हो, यानी ये जो शरीर में आत्मा आई है, ये प्राण आया है, ये क्या आई है, यहाँ तो भोग है, दुख के दुख है, सुखानुभूति भी है, दुख भी है, परेशानियां भी है, प्रतिशत भी है। तो कहा जा रहा है कि ये जो शरीर है या तन, ये जो मानव शरीर है, वो भाई दुख की लता है, गुरु अमृत की, गुरु के पास जब आप जाएंगे, गुरु से आप जुड़ेंगे, तो वो अमृत आपके जीवन को परिमार्जित करेगा, शुद्ध करेगा, और व्यक्ति फिर इस जन्म मरण के बंधन से। शिव गुरु अपने शिष्य को शब्द से निशब्द कर दे, ऐसा प्रभाव तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि समय के अंतराल में शिव शिष्यता का दूसरा शिव गुरु की चर्चा का चलन कम हो जाएगा? ऐसा नहीं कम कम होगा, तब जब आदमी बात करना छोड़ दे, घरों में बात करना, बाहर बात करना, पत्नी से बात करना, बच्चों से बात करना, जब ये बंद होने लगेगा तभी शिव चर्चाएं बंद होंगी, क्योंकि चर्चा भी गप है, मात्र अंतर गप और चर्चा में ही है कि गप में भी उद्देश्य होती है और चर्चा एक उद्देश्य के लिए होती है कि सामने वाला शिव को भी शिव के चले, शिव को अपना गुरु माने, और यह बात हमको भी दिमाग में प्रवेश करे, मन में प्रवेश करे कि मैं शिव का शिष्य हूँ, मुझको भी शिव गुरु को चलना चाहिए, शिव गुरु के आश्रय में रहना चाहिए। ये कभी बंद नहीं, चर्चाएँ चलती रहेंगी, धीमी धीमी चलेंगी। हाँ, अब
अपनी सीमाओं में चलेंगी, जैसी परिस्थितियाँ होंगी, जैसी स्थितियाँ पैदा होंगी उसमें चलेंगी, बंद नहीं होंगी। आदमी का भूलना थोड़ा ही बंद होगा, जब भूलना ही बंद हो जाएगा तो चर्चा हो जाएंगी, जो होगा नहीं। एक बात छूट गई, गुरु शब्द से नए शब्द मिलेगा। आपने सुना है आकाशवाणी कैसे हो? वहां शब्द नहीं होते, वहां विचारों का संप्रेषण मौन होता है, और जिसके लिए आकाशवाणी होती है उसके मन में पूरी की पूरी बात ठीक उस तरह प्रवेश करती है जिससे जैसे पत्थरों पर अक्षर खोद दिए जाते हैं। वहाँ कोई शब्द नहीं, आपके कान भी नहीं सुनते, बोलने वाला मुँह से बोलता भी नहीं। वो ईश्वरीय सत्ता या शक्तियाँ जो ईश्वर तुल्य हैं, वो जब किसी को कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हैं, संप्रेषित करना, जिसको आकाशवाणी बोलते हैं, संप्रेषित करना चाहती हैं, तो कोई शब्द नहीं होते। और हमारे आपके कान वहाँ नाक का ज्ञानेन्द्रियों का कोई उपयोग नहीं है। ये ज्ञानेन्द्रियाँ मस्तिष्क का माध्यम है, ये आकाशवाणियाँ सीधे मस्तिष्क को जाती हैं, शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन आप उसको वैसे ही पढ़ते हैं जैसे आप खो की किताब पढ़ते हैं, वहाँ शब्द नहीं। शब्द ध्वनि की तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे जब एक लेवल के बाद बंद होंगी ये भी बंद। हम सपना रानी पटना सूची से हैं, हम तीन सूत्र करते हैं जिसमें तीसरा सूत्र है नाम शिवाय से शिव को गुरु को प्रणाम करना, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये प्राण मंत्र, तो ये प्राण मंत्र कैसे है इसका अर्थ पूछना चाहिए। प्राण मंत्र यानी वो आपके जीवन का सब कुछ है, वो जब करता है जीवन का सब कुछ है। कोई भी मंत्र जब निरंतर आपको अपना बनाता जाता है या आप उसको अपना बनाते चले जाते हैं तो वो परिवर्तित हो जाता है प्राण मंत्र, उसी को कहा जाता है प्राण मंत्र। यानी उसके अलावा किसी मंत्र की कोई कीमत नहीं है, और वही प्राण मंत्र बाद में सभी मंत्रों का समेकित रूप हो जाता है। और जब कहता है या साधक अपने प्राण मंत्र से ही यथासंभव अपने काम निकाल लेता है, लौकिक हो या पारलौकिक। नमः शिवाय तो प्राण मंत्र है ही, क्योंकि मंत्रों का नियम है कि ये देवताओं का नाम, हर एक देवता का एक नाम होता है जिसको मंत्र कहते हैं। मंत्र की परिभाषा है कि हर एक देवता का ये नाम है जिसका मनन किया है, उसमें शक्ति छिपी होती है। मंत्रों में चैतन्य छुपा होता है, मंत्र तो शब्द है वर्ण है, मंत्रों में शक्ति छुपी होती है, मंत्रों में चैतन्य छुपा होता है, शब्दों में अर्थ छुपा होता है, चैतन्य छुपा होता है। आप किसी को गाली दे दीजिए ये तो शब्द है, लेकिन इसके परिणाम बड़े बुरे हैं। देखिए उस मंत्र में उस गाली के चैतन्य को आदमी जानता है, इसलिए लाठी लेके आपके ऊपर पड़ गया। अगर मंत्र के चैतन्य को मंत्र के अर्थ को नहीं, ठीक उसी तरह से हर एक मंत्र का एक देवता होता है, देवताओं का नाम शक्तियों का नाम है, और उल्टा हर एक नाम का एक देवता, हर एक नाम का एक देवता होता है, हर एक देवता का एक नाम होता है। मंत्र देवताओं के नाम है, उनके बीच में उनके स्वरूप में शक्ति छिपी होती है, चैतन्य छिपा होता है, अर्थ छिपा होता है। कोई भी मंत्र जो आपको बहुत ऊपर खींचता है, जितनी उसकी सीमा, उस देवता की सीमा, मंत्र उतने ही दूर तक ले जा सकते हैं जितनी दूर तक उस देवता के मंत्र के देवता की सीमा है, उसके ऊपर नहीं ले जा सकते। नमः शिवाय को शिव का, क्योंकि महेश्वर ईश्वर है। तो हमने कहा कि नमः शिवाय प्राण मंत्र ये आपको शिव तक ले जाता है, शिव शिव का मंत्र है, शिव से जुड़ा हुआ है। तो शिव से जुड़ा हुआ है यानी सबसे बड़ी सत्ता से जुड़ा हुआ है, तो मंत्र तो बड़ा होगा ही, महामंत्र होगा ही, मंत्रों का राजा होगा ही, और इसी को प्राण मंत्र भी बनाना चाहिए। क्योंकि शास्त्र बहुत पहले से कह रहे हैं कि नमः शिवाय प्राण मंत्र है,
इसको सुबह को अपने प्लांट के चारों ओर इसको लाओ, इसका जप करो, इसका मनन करो। मन का मनन होता है, मन जिसको बार बार दिख रहा है मनन। अनमिल जो मिलने का नाम अनमिल अंग्रेजी भाषा है, अनमिल जो मिलने का नाम बिना मिल के आखर मैंने अक्षर, अक्षर को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है आखर। अनमिल आखर ऐसे अक्षर हैं, ऐसे वर्ण हैं जो मेल नहीं खाते। आदमी को लगेगा उटपटांग है ये सब कुछ, इसको कहते हैं यानी अक्षर बेमेल। मैंने मैं 75 साल का, मेरे घर में भी परिवार में भी बड़े बड़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े लिखे लोग हैं। मैंने देखा है कि उनका ज्ञान उनके लिए कांटा बन गया, कंटक हो गया है। और बाकी चीजें तो धीरे धीरे आपको आपकी खत्म हो सकती है। जैसे पहलवाने का शौक बहुत दिनों तक नहीं चलेगा क्योंकि बाद में गठिया हो जाता है, दूर हो जाते हैं शरीर से। फिर मैंने एक बहुत बड़े पहलवान से मिला हुआ था, उसे मिलने बेचारा सीढ़ियों को नहीं उतर पाया, मैंने पकड़ के उसे उसे उनको सीढ़ियों को भी पाया। क्या स्थिति, इतना बलशाली आदमी अपने जमाने का क्या हो गया। व्यक्ति की सुंदर उम्र घट हलेगी, लेकिन ज्ञान की जो पकड़ है ना वो नहीं खत्म होती है, अंत अंत तक रह जाती है। जो ज्ञानी है वो अंत अंत तक आपको ज्ञान बगाड़ेगा और आप भी सुने गए। इसीलिए ज्ञान के कांटे से अज्ञान, अज्ञानता तो और दूर चीज है, ज्ञान के कांटे से अज्ञानता का कांटा निकाला जाता होगा। आपने देखा हो या नहीं देखा हो, देहात में जब लोग पाँव चप्पल चलते थे और बबूल वगैरह का कांटा पाँव में गड़ जाता था तो दूसरे बबूल के कांटे से उस कांटे को निकाला जाता था। पॉकेट में रख लीजिए ना, पॉकेट में रखिएगा तो जिससे निकालें वो गड़े, यानी दोनों कांटे खुल। कहा जाता है कि ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकालो और दोनों को फेंको। ज्ञान कोई काम नहीं देगा, सब बेकार हो जाता है। काम देते काम आपको हमको देगा बस वही याद नहीं, अब कुछ भूल गई सब कुछ। एक बात मगर फिल्म तक आई, लेकिन शिव से तो प्यार होगा, शिव रूपी ज्ञान जो हमें आप में आएगा, शिव से जो प्यार होगा, भगवती से जो प्यार होगा, वही ज्ञान आपको कुछ शिव तक ले जाएगा। पूरी दुनिया से ऊपर करेगा, जगत से ऊपर करेगा, जगत के बंधनों से मुक्त करेगा। बाकी ज्ञान को चुभेगा और ऐसा चुभेगा कि मरने की स्थिति नहीं निकलेगा वो। अज्ञान तो निकल जाएगा कांटा, ज्ञान का कांटा नहीं निकलता है। बहुत ज़्यादा दर्द देगा, मरने तक ये दर्द देता है, क्योंकि मात्र शिव का ज्ञान ही होता है। मात्र शिव रूपी ज्ञान ही हमको आपको आनंद देता है, आनंदित करता है, परमानंदी बनाता है।
कि आपके निर्देश में लगातार पर्यावरण संरक्षण पे हम सभी शिक्षकों से इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं और आगे इसी महीने में 17 जून को देवभूमि मनाने की प्रवृत्ति हुई है। इसके अगले महीने में उनकी जन्मतिथि भी है और पिछले वर्ष हम लोगों ने उनके जन्म पे यानी कि 27 जुलाई को एक सप्ताह का वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया, लेकिन अब दुनिया की स्थिति दूसरी है इस वर्ष, क्योंकि हम समूह में नहीं निकल सकते, वृक्षारोपण के लिए सामूहिक प्रयास नहीं कर सकते। तो मेरी जिज्ञासा की है और अगर आपका निर्देश हो तो क्या हम लोग 17 जून से 27 जुलाई के अंतराल अपने आंगन में, अपने बालकोनी में या अपने घर के एक छोटे से गमले में भी इस कार्य को करें कि हम हर लोग पौधा लगाएँ और दीदी के लिए सबसे सुंदर सुविधा। पेड़ तो लगाइए, हम आप लोगों को जागृत भी करना होगा, मोबाइल पर करिए, पेड़ लगाएं, वो कमरे में लगाएं, हाथी में लगाएं और सड़कों पर लगाएं। ऐसा थोड़ी है कि सड़क पर पेड़ लगाने के लिए कोई भी नहीं कर रहा, मात्र एक दो आदमी पेड़ लगा सकते हैं और बारिश का मौसम आ ही रहा है, पेड़ बच भी जाएंगे। ऐसे पेड़ लगाएंगे तो हमको सिंचाई करनी पड़ेगी, पानी देना होगा, बारिश में तो प्रकृति पानी देगी। पेड़ तो लगाए ही लगाए, अन्यथा एक बाबू हम लोग के पौधे को ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके शहर में घूमना होगा, होशियार हम लोगों को होना होगा, लोगों को जागरण जागृत करना होगा। भाषणबाजी से नहीं, चलिए।